तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग दोबारा से खेले कुछ नहीं जा रहे। आज हम लोग गेस करने जा रहे द कार्टून बाय देयर ओपनिंग सॉन्ग्स। ओपनिंग सॉन्ग्स पता नहीं सही वर्ड है इसके लिए या नहीं, लेकिन टाइटल यही है। तो जीटे की वीडियो क्या बहाना मतलब अबे साले हाँ गाइस मैं सही बता रहा हूँ यार, बहाना नहीं मार रहा मैं, लेकिन अब मैं क्या करूँ। जीटे की वीडियो को एडिट करने और बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। और ये देखो, ये मेरी जीटीए पिछली जीटीए की वीडियो के व्यूज है ये। अब बताओ बंदा करे तो करे क्या अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। यार, इतने कम व्यूज आएंगे तो भाई इतनी मेहनत से वीडियो बनाने का मतलब क्या बनता है पता है। मैं सुबह 7 बजे बैठा था, सॉरी सुबह 11 दोपहर के क्या यार 11 AM पे बैठा था वीडियो बनाने और 7 PM पे वीडियो खत्म हुई थी। इतनी मेहनत करने, 8 घंटे की वीडियो बनाने के बाद, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं हमेशा जब तक मुझे अंदर से अच्छी नहीं लगती वीडियो मैं अपलोड नहीं करता हूँ। तो गाइस 8 घंटे की मेहनत के बाद वो वीडियो निकल के आई थी। और भाई उसको एडिट करने में 2 दिन लगे थे लगातार। 2 दिन में मतलब ऐसा नहीं 24 24 घंटे में एडिटिंग ही कर रहा हूँ, लेकिन दिन में कम से कम सात सात छः छः घंटे तो मैं एडिटिंग ही करता ही था। और मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को जब तक अंदर से वीडियो लगता नहीं है कि रेडी हो गई, तब तक मैं एडिटिंग करता जाता हूँ, वीडियो बनाता जाता हूँ, इसीलिए इतना टाइम लगता है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। और जीटे की वीडियो को हमेशा टाइम लगता है लगेगा, सॉरी, लेकिन अगली बार मैं कोशिश करूंगा हर हफ्ते डालने की। बट आज हम जो करने जा रहे हैं वो शायद किसी यूट्यूबर ने नहीं करा, मतलब सॉन्ग गेस करना, फूड, कंट्री, सब मतलब टिकट, इंसान, फुकरन, ये सब कर चुके हैं, लेकिन कार्टून मैंने अभी तक कहीं नहीं सुना। भाई अगर आप लोगों को कहीं दिखा हो तो फिर मेरे को प्लीज कमेंट्स में बताना, बताता कोई है नहीं, बोलने का को कोई फायदा नहीं है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। म्यूजिक वाया, ओके भाई कॉपीराइट मत दे देना। ओके यस आई एम रेडी। ये कौन सा सॉन्ग है भाई? ओके गेस द कार्टून सॉन्ग, रिटन डाउन योर स्कोर इन कमेंट्स। ओके क्या 1 सेकंड, रिटन, अच्छा राइट है, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, रिटन नहीं रे, राइट है, सॉरी। लेट्स गो गेट गेस द कार्टून सॉन्ग। ओके ओ भाई, अबे यार इतना इजी भाई, ये कार्टून मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मैं वो बचपन में 30 30 रुपए वाली वो वॉचेस नहीं आती थी, उनमें से एक बटन दबाओ पुश करके वो मतलब क्या निकलता था, वो उनका एक गोल गोल कॉइन जैसा निकलता था प्लास्टिक का, जिसमें वो क्या कहते 4 आर्म्स, हीट ब्लास्ट, ये सब बने होते थे भाई। ये मेरे बहुत करीब है और मैं हमेशा सोचता था मेरे पास एक ओमनी ट्रिक्स हो भाई। इसका जब इतना सिंपल जवाब है बेन 10, लेकिन यार गाना सुनना है मेरे को भाई, बहुत दिनों बाद सुनने को मिला ये गाना, लिटरली बहुत मेरा वन ऑफ माई फेवरेट कार्टून में से एक था यार, मतलब फेवरेट कार्टून है मेरा। वह क्या इसको क्या तो भूल सकता हूँ मैं, इतना इजी दोगे भाई। भाई फेवरेट है यार मेरा बेन 10 और बेन 10 यार, मतलब ये अगर मेरा गलत हो जाता है तो मैं गंजा हो जाता है यार, सही में मतलब कार्टून। 1 मिनट भाई, चल क्या रहा है, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर, मतलब इतने इजी दोगे। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, ये जो ये नीली शक्ल का प्राणी है ये इसी का गाना है, निंजा हथौड़ी। यार मतलब कुछ ज्यादा इजी नहीं हो रहा है, मतलब थोड़े भाई थोड़े से टफ। एक कोई एक ऐसा बता दो जो जिसका आंसर मैं ना देखूं, वैसे मैं 100% श्योर हूँ मैंने लगभग अभी तक सारे कार्टून देखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी ऐसे कार्टून का कोई नाम आ सकता है जो मैं ना बता पाऊं। तो चलो अपने शहर आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। ओ 1 सेकंड, अरे ये मेरे को याद है भाई, बहुत देखा ये, पहले पूरा गाना सुनते हैं भाई। थोड़ा लड़का सीधा साधा, कमरे में कर तो बीच में थोड़ा सा भूल गया था, बहुत पहले दिखता था, लेकिन इसका आंसर मेरे को याद है।
कोरोसुके। अबे साले माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। कोरोसुके तो उसका वो था ना डोरेमोन जैसा दिखने वाला रोबोट जो उसने बनाया था, इसका नाम है कितरेत्सु। पक्का कितरेत्सु होना चाहिए भाई, वरना आई कितरेत्सु। एक सेकंड, मुसीबत में है कोई बुला रहा तुमको। तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये तो अरे वो है भाई, बहुत दिखा है। रुक जाओ, पूरा गाना सुन लेते पहले। क्या भाई, एक सेकंड, ये देखो मैं मानता हूँ ये मैं हार गया, क्योंकि मैंने पूरा गाना सुन लिया और इसमें गाने में नाम ही बोल दिया। मेरे को लगा था पर मैंने, लेकिन अब नाम ही आ गया यार गाने में, तो क्या ही कर सकते हैं। पर मैंने यार गाने में क्यों नाम दे दिया यार, गाने में नाम दे दोगे बचा गया यार, ये पॉइंट चला गया यार मेरा। तो मैं ओहो आ गया। वाह, ये है सबसे फेवरेट, सबसे फनी मेरे को जो कार्टून लगता है उनमें से ये है भाई। कोची का में बचपन में मैंने इतना देखा है ये, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, बचपन में जब मम्मी नहा के मेरे को खड़ा कर देती थी कि साले वही खड़ा रही हो, और मैं सिर्फ एक चड्डी बनियान पहन के टीवी के सामने भाई मतलब आधा घंटा लगभग खड़ा रहता था, और एकदम कोची का में देख रहा हूँ, इधर से आंखें एकदम हट नहीं रही है टीवी के सामने से, कोची का में चल रहा है, मम्मी पीछे से आई चीट के साले खड़ा होकर देख रही है, आधे घंटे से आगे फूट जाएंगी। तो गाइस यार बहुत देखा यार, कोची का में यार इसका आंसर तो बहुत इजी था यार, थोड़ा सा भाई टफ दे दो यार म्यूजिक में, क्या कर रहे हो। कोची का में भाई बहुत बढ़िया था ये। एक सेकंड, अरे रुको, अरे ये रुको, ये शायद वो लग रहा है मेरे को, एक सेकंड पूरा सुनने दो। आंसर नहीं देखेगा मैं। हाँ मोटू पतलू। हाँ पूरा गाना भाई, मेरे को पूरा गाना गुनगुनाना पड़ गया इनके चक्कर में। हाँ तो आंसर ही देख लेते हैं, क्यों दोबारा से गाना सुनेंगे। यस ये यस भाई साहब, मतलब कार्टून्स के नाम गेस करवाने में मैं सबसे आगे हूँ, मतलब ऐसा कोई कार्टून नहीं होगा जिसका करना, देखो परमान मैंने गेस कर लिया था लेकिन उसमें नाम आ गया, तो एक पॉइंट छोड़ देते हैं अपना। और भाई इससे आगे मैं सुन ही नहीं पाऊंगा। टॉम एंड जेरी भाई सब कितना इजी, मैंने टॉम एंड जेरी किड शो भी देखा है लेकिन ये जो लेजेंड टॉम एंड जेरी है वो यही है, इससे फनी टॉम एंड जेरी आप लोग कहीं नहीं देख पाओगे, मैं लिटरली बता रहा हूँ। सीधा आंसर ही देखते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। और भाई टॉम एंड जेरी भाई रेड हार्डी बना हुआ है लेजेंड भाई, हर शो का लेजेंड शो है ये टॉम एंड जेरी, इसके ऊपर किसी को तो रख ही नहीं सकते। तैयार हो बच्चों? क्या एक सेकंड नहीं भाई, ये पक्का मैंने सुना है और बहुत अच्छे से सुना है, प्लीज यार मेरे को याद आ जा। कैप्टन अच्छे से तैयार हो बच्चों। अरे यार कोई मैसेज तो नहीं है, आइलैंड वाला था यार कोई, इसमें मैं भूल गया मैं, कोई बात नहीं गाइस। चलो अपने दो गलत हो चुके हैं, मतलब एक तो वो वाला जो कि गलत नहीं हुआ था पर गलत हुआ था क्योंकि मैंने उसको गैस कर लिया था पर मैंने बोला नहीं था इसलिए वो गलत हो गया। चुप बिल्कुल। चलो ठीक है छोड़ो, अपने दो गलत हो चुके हैं क्योंकि ये वाला मैं भूल गया हूँ यार, मतलब अच्छे से याद है मेरे को, मैंने ये सुना है कहाँ सुना था मैं भूल गया। ओके यार इतना इजी मैं किस नहीं कर पाया यार भाई। भाई व्हाट इज दिस यार, इतने भाई मतलब देखो मैं लिटरली बता रहा हूँ, उसमें शिनचैन डोरेमोन
निंजा हथौड़ी और बेंटन और ये, और मैं बता रहा हूँ और भी बहुत सारे हैं, मतलब इनके नाम डालने की जरूरत ही नहीं थी यार। मतलब स्पंजबॉब एक बार को समझ में आता है, मोटू पतलू आता है और कितरित्सु आता है, ये सब समझ में भी आते हैं, बट भाई ये लेजेंडरी कार्टून इनको कौन भूल सकता है। टॉम एंड जेरी ये कौन भूल, भूलने वाली चीज ही नहीं है ये, इतना इजी भाई, कुछ ज्यादा इजी है यार ये। एंड द आंसर इज डोरेमोन, जिंदगी सवार दू एक नई बहार दू। ये पागल वो पागल कर, भाई शिनचैन यार, क्या है यार इतने इजी, थोड़ा सा टफ दे दो। चलो अब क्या टफ दोगे भाई, वीडियो एक थोड़ी बची है। वैसे कैसे देख रहे हो यार मेरा टैलेंट, कितना टैलेंटेड हूँ मैं, मैंने 5 मिनट की वीडियो को 15 मिनट का बना दिया, इतना टैलेंटेड इंसान आपको कहीं मिलेगा? भाई देखो कैसे रहता है, कैसा दीवाना सबको। ओ शिनचैन, मेरा नाम भी शिनचैन है, मैं शरारत से भरा बड़ी मुश्किल में पड़ी, मेरी फैमिली ने हारा। ओ भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो गया? ओ भाई यार, ओ डोनाल्ड डक पोपा है यार, पोकेमोन यार, पोकेमोन का नाम लेना भूल गए यार ये लोग, और मिस्टर बीन भूल गए ये भाई। ये भी वो लेजेंड का लेजेंडरी कार्टून है यार, ड्रैगन बॉल जी भाई, ये होते हैं असली कार्टून्स भाई साहब, 90s का एकदम भाई पूरा। जब मैं पैदा हुआ था ना, मतलब 3-4 साल का बच्चा रहा होगा तब ये सारे कार्टून्स देखता था यार, बहुत मजा आता था यार। अब तो कार्टून्स ही चले गए सारे, बहुत ही यार ओपी कार्टून्स थे यार ये, मतलब ये भूलने वाले थे ही नहीं कभी भी भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं स्पंजबॉब कैसे भूल गया यार, स्पंजबॉब भी मेरा फेवरेट कार्टून हुआ करता था, बट कोई बात नहीं यार। चलो भाई म्यूजिक पाया, ओ भाई। तो गाइस यार देखो, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और हमारे 2 गलत हुए और टोटल कितने थे इसमें, तो गाइस यार टोटल थे हमारे 11 सॉन्ग जिसमें से मेरे 2 गलत हुए, वैसे एक को गलत मानना पड़ चाहिए या नहीं ये आप लोग मेरे को बताना, लेकिन यार स्पंजबॉब के लिए तो मेरे को दिल से बुरा लगता है यार, मैं स्पंजबॉब कैसे भूल गया। तो कोई बात नहीं गाइस, अगला वीडियो शायद थोड़ा सा धमाकेदार हो सकता है, अगर आप लोग इस वीडियो पे दे दो 20 लाइक्स, हाँ गरीबी है भाई, तुम लोग भाई 10-15 लाइक्स नहीं देते और ये है भाई पिछले। अबे यार हंसी भी नहीं रुक रही यार मेरी देख के, पिछली वीडियो का ये है पिछली वीडियो का रिस्पॉन्स भाई, ये जो डिमोटिवेशन होती है ना, अगर ये तुम पूछोगे कि मेरी ये रिस्पॉन्स देखने के बाद कितनी है, तो भाई भगवान भी सोचेंगे कि यार इस लेवल की डिमोटिवेशन मैंने कभी बनाई भी थी, जो इस लेवल की डिमोटिवेशन इस लड़के पे है भाई, इस लेवल का रिस्पॉन्स भाई यार मैं क्या ही बताऊं। चलो कोई बात नहीं गाइस, आप लोग एंजॉय करो, मैं मतलब आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप इस चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मैं हाथ पर सब जोड़ लूंगा, वैसे अभी मैंने कुछ नहीं जोड़ा हुआ भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना यार, मैं हाथ जोड़ता हूँ। अभी आप लोग दिख नहीं रहे होंगे, हाँ ये देखो मैं इमोजी दिखा रहा हूँ, हाँ जोड़ रखे हैं मैंने, प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इसमें गाली बिल्कुल भी नहीं थी, एकदम क्लीन वीडियो था, तो अपने मम्मी पापा के साथ भी शेयर कर सकते हो, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकते हो, अपने बड़े भाई बहन को भेजो और उनको याद दिलाओ यार ये 90s का टाइम जब वो लोग छोटे थे। तो गाइस यार दैट्स इट फॉर टुडे, मैं मतलब आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।